पहले संभव नहीं था। लोग हमसे सोचते रहे हमारे यहाँ के पानी कैसे पत्थर पर ले आए गए ही, लेकिन जब खुदाई हुई कि नहर छूटी ही तो फिर उस साइकिल से नारी बारी तक गए हैं सर्वे कराए, कहीं देखे कैसे जल ले जा रहा है। जिला प्रयागराज है, ब्लॉक शंकरगढ़ है। शंकरगढ़ क्षेत्र में एक ये ऐसी नहर बनाई गई है, एकदम पहाड़ पे निचाई से बनाई गई है और पहाड़ पे पानी छोड़ा जा रहा है। तो जो जिस गांव के लिए गई है ये नहर, तो उस गांव के लिए किसानों को बहुत राहत है, क्योंकि इससे सिंचाई कर लेते हैं तो उनके फसल तैयार हो जाती है, जैसे धान गेहूँ दोनों फसल हो जाती है। यदि जब ये नहर नहीं थी तो सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था, तो लोगों के धान नहीं होती थी उस समय, बस वही चना मसूर बोते थे, इसके अलावा कोई किसानी नहीं होती थी। लेकिन यह जब से ये नहर बनाई गई है, पानी समय से छोड़ा गया जाता है, तो किसानों को बहुत ज़्यादा राहत है इस क्षेत्र में। आया पानी किसी तरह, कैसे आया आया तो भाई सुविधा दिए, सरकार सुविधा दिया किसी तरह, तो पानी सकल पूरा यहाँ से वहाँ तक नहर कहाँ तक गई है कोई पता ही नहीं। नहर की वजह से तो जो इंजीनियर बनाया है वो बहुत बुद्धि से बनाया। बिल्कुल बिल्कुल तो है, ये सही बात यह है। जब नहर नहीं आ तब रोकना खो गया था कि अब पथरा पर धान जा रही फसल, यहाँ रेलवे के नीचे से निकल रही है। बहुत अच्छे से उपाय किए हैं। हाँ हाँ, पूरा नहर वैसे है, बम्बी द्वारा नहीं है, खुदाई करके रेल उठाए के खुदाई करके तब बनी है ये नहर। यहाँ पड़ुआ प्रताप से पुर से निकली हुई है और बवंदर से फिर नहर में पानी दिया जाता है, भोड़ी गांव से लेकर के नारीबारी तक पानी जाता है। वैसे कितने गांव के लिए? हाँ, लगभग 500 गांव। रबी खरीफ में भी पानी दिया जाता है और बीच में गर्मियों के समय में भी पानी दिया जाता है, जिससे कि यहाँ पानी पीने का लेवल बनता है और जानवर भी जो जंगली हैं, गाय नील गाय या और जो जानवर हैं, उनको पीने का पानी मिलता है और यहाँ पानी पीने का लेवल भी बनता है। ये सन 82-83 का प्रोजेक्ट है, 1982-83 का है प्रोजेक्ट और अभी तक ये चल रहा है। इसमें इंजीनियरों ने बड़ा अपना दिमाग लगाया और इसमें नेताजी बहुगुणा जी ने भी अपना बहुत बड़ा सहयोग दिया कि इसको प्रोजेक्ट लाया जाए, तो इस क्षेत्र का बहुत बड़ा विकास हुआ और हो भी रहा है। पहले तो 4 क्विंटल 3 क्विंटल पाई जाए तो बहुत पाई गया बीघा में, अब तो 12-12 क्विंटल पाई थी, टाटा जगह लगा दिए तो उसका 18 क्विंटल पैदा होते हैं। पहले तो हो रहा चना मटर सब ही हो रहा, अब चना उना थोड़ा बहुत बोवा सही बात नहीं है, लेकिन धान गेहूँ ज़्यादा सबसे ज़्यादा तब कितना हो रहा। बहुत अगर मनी मेहनत करे बहुत वह करे तो मान ली कि वह हो 2-4 क्विंटल पामा, अब तो सारे का एक एक बीघा में 20-20 क्विंटल 25-25 क्विंटल पावा था धान। तो 12 मास चलती है नहर? नहीं 12 मास नहीं चलती। कब कब? बंद हो जाती है, गर्मी में बंद हो जाता है और बीच में गर्मियों में देते हैं गोरु मालन के पानी पीने नहीं, के लिए नहीं, कुआर कातिक बंद हो जाएगी। अब धान पकने लगेगा तो नहर बंद हो जाएगी, नहर न बंद हुई तो कैसे कटेगा, बंद हो जाएगी 2 महीना के, फिर उसके बाद फसल बो जाएगा फिर चालू। आप सारे किसान डिमांड करते हैं कि बंद किया जाए, अब चालू किया जाए। हाँ, पार्टी से तो अच्छा है, यही से मन के जीवन बुआ चल रहा है, नाती नतकुल के पढ़ाई लिखाई कापी किताब सब इतना महंग चल रहे हैं। कितना बीघा खेती किए हुए हैं दादा आप? 15। क्या बोए हुए हैं? धान। जब नहर नहीं थी, पानी नहीं था, तो फिर क्या स्थिति थी? यहाँ पर गोरू मवेशी चरते थे, चारा खाली पड़ा रहता रहा। हाँ, ऊंचाई पर उसमें पंप लगा करके सारी व्यवस्था की गई है ना, पंपों की व्यवस्था की गई, पंप की व्यवस्था ना होती तो वो ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, इतना पथरीला इलाका है कि वहाँ पंप के लिफ्ट करके तभी तो नहर में पानी जा रहा है। देखिए ये सच्चाई है कि 12 विधानसभा के अंतर्गत शंकरगढ़ एक ऐसा क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, पहाड़ों का वहाँ पास हम अंबार लगा है, वहाँ पास पानी का सुविधा ही नहीं, जल संसाधन का जब सुविधा नहीं है तो वहाँ
तो नलकूप बन सकता है ना तो कोई चीज, उसके स्थान पर यही नहर ही एक ऐसा है हम लोगों का जिससे किसानों को राहत मिलती है। किसानों को राहत के लिए सिंचाई विभाग से हमने अनुरोध किया था, जल संसाधन मंत्री को भी हमने पत्र लिखा, उन्होंने वहाँ पास बड़े परिश्रम के बाद उन्होंने एक ये नल की नहर की व्यवस्था किया जिससे हजारों किसान उसे लाभान्वित होंगे। पहले इसका था चौथाई भी नहीं पैदा होता रहा, अब तो बहुत किसान संपन्न हो गया, अब अपने ऊपर का था जो खेत मजदूर है वह संपन्न है, खेती से खूब खाए पिए भर का पैदा कर जाकर परिश्रम करते हैं, लापरवाह नहीं बरतता है। अब बता देगा ना कि हम लोग इतना खुश हैं कि बहुत खुशहाली से सब कहाँ पैदावार परिवार का पालन पोषण हो रहा है, नहीं तो पहले हम लोगों के बीच दूर था, अब घर में खाने पीने के लिए पूछ नहीं पावत रहा हम लोग, खेत हाँ खेती करने के बाद जब समय निकला तो पहाड़ में था पत्थर तोड़ तोड़ के गिट्टी तोड़ के सब परिवार पालत रहा।